नमस्कार, लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। खादी एवं ग्रामोद्योग सचिव जयपुर के हरिमोहन मीना ने कहा कि खादी संस्थाओं द्वारा खादी उत्पाद में किए जा रहे नवीन शोध के चलते जहां युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, वहीं भारत व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम संस्थाओं द्वारा किए जा रहे उत्पादन में वृद्धि कर उसकी लागत घटाने पर विचार किया जा रहा है ताकि खादी को हर तबका अपना सके। वे आज राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर की ओर से संभाग कार्यालय जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से टाउन हॉल में आज से प्रारंभ हुई संभाग स्तरीय 16 दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खादी संस्थाएं जींस जैसे प्रोडक्ट लाने पर विचार कर रही है ताकि युवाओं को खादी संस्थाओं को और अधिकाधिक रूप से जोड़ा जा सके। खादी संस्थाओं द्वारा इको फ्रेंडली खादी का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के चलते गत 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक खादी संस्थाओं ने राज्य में 12.78 करोड़ की तथा राज्य सरकार द्वारा छूट को बढ़कर 50% किए जाने के बाद मात्र अक्टूबर माह में ही खादी की बिक्री 24 करोड़ पार कर गई। इतनी बिक्री तो आज तक राजस्थान में कभी न हुई। महात्मा गांधी जयंती वर्ष के अवसर पर उदयपुर में राज्य संभाग स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह बहुत खुशी का विषय है। इस अवसर पर आप सभी को जानकारी होगी कि राज्य सरकार द्वारा 50% की खादी उत्पादों पर छूट दी हुई है। उसका भारी उत्साह पूरे राजस्थान में देखने में आया। 30/11 से हमारे जो स्टेट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और बहुत भारी बिक्री को देखने होने के कारण इस कारण से ये निर्णय लेना पड़ा कि हम केवल राज्य के उत्पाद को बढ़ावा देंगे और राज्य के उत्पाद को बढ़ावा देने के और कृत्रिम लोगों को रोजगार देने के प्रयोजन से राज्य जो खादी उत्पाद है उन पर 50% की रिबेट 28 फरवरी तक जारी रहेगी।